तो भाई बैठते गाड़ी में। तो भाई निकल लिए होटल से अपने सामान पीछे और... रखो ना इसे चलते। ये लो बैग रख दिया हमने पीछे। भाई अंधेरा हो रहा था चेहरे पे बहुत ज़्यादा। अब बच चुके भाई 10:45। पौने ग्यारह बजे होटल कर लिया हमने चेकआउट। अब निकलते भाई सीधा जम्मू वाले हाईवे के लिए, घर के लिए निकलते और पहुँचेंगे शायद मे भी कल दोपहर, कल शाम तक, और शायद कल भी हम स्टे करेंगे कहीं ना कहीं। मतलब स्टे तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहुँचेंगे, बट भाई खाना पीना तो है, देखेंगे खुद से बनाएंगे बढ़िया सा खाना बढ़िया से। तो अभी के लिए निकलते भाई आगे। तो एक बार फिर बोलते भाई जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। दोस्तों सामने देखे भाई हमारी गाड़ी अभी तक चली है 1825, मतलब 1824 किलोमीटर। तो भाई निकल चुके आगे की तरफ और ये देखिए सामने जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता, माता रानी जब बुलाएगी दोबारा तो भाई खींच चले आएंगे। माता बहुत जल्दी हमें जरूर बुलाएगी भाई। बुलाएगी नहीं बुलाएगी? बिल्कुल बुलाएगी भाई। अगर यहाँ से हम सीधा जाते हैं तो भाई श्रीनगर पहुंच जाते हैं, लेह लद्दाख की तरफ, सामने यहाँ से उधमपुर की तरफ। और हमें लेना है भाई यहाँ से राइट NH-44 के लिए। तो ये देखिए भाई ये रहा, और हमारा है अभी डेस्टिनेशन 649 किलोमीटर, 12 घंटे का सफ़र। और अभी हमारी गाड़ी चल चुके भाई ये देखिए 1839, और निकलते भाई अपने रास्ते पर। तो मिलते हैं आगे। तो ये दोस्तों ये है भाई रेस्टोरेंट हवेली, बहुत शानदार है भाई अंदर से। ये देखो भाई साहब बहुत अच्छा से बनाया हुआ है हवेली, शानदार लग गया भाई। तो निकल चुके भाई अपने डेस्टिनेशन यहाँ से 40 किलोमीटर है भाई जम्मू। जम्मू पार करते ही हम निकलेंगे पठानकोट की तरफ चंडीगढ़ के लिए। तो दोस्तों ये पड़ेगी भाई जम्मू जाने के लिए पहली अटल टनल, जो निकलती है सीधा, काफ़ी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी है ये, देख रहे छोटी है ना सामने दिख रहा। तो ये भाई जैसी कट्टा से निकलेंगे हम बाहर तो लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद ये अटल टनल आती है भाई। रास्ते काफ़ी शॉर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन जितने शॉर्ट हो रहे भाई उतना ही ज़्यादा जाम भी मिलता है भाई। 3 अटल टनल जा चुके हैं, चौथे अटल टनल है छोटी सी, ये देखिए लगातार 4 अटल टनल है। मतलब 100 जैसी ख़त्म होती है 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक और चालू हो जाती है, तो ये चौथी है भाई। तो दोस्तों पहुंच चुके भाई ये जम्मू की सिटी है, और इस सिटी को पार करते हैं भाई, जम्मू हो जाएगा कदम और फिर आगे निकल जाएंगे भाई हम। और ये देखे भाई जम्मू में घुसते ही रेडिसन का होटल आया है सबसे पहले, और ये है भाई चौराया पहला ही। और यहाँ पे देखिए क्या शानदार सा मंदिर है, क्या ये मंदिर है भाई, मंदिर बना रखा है। और ये लेफ्ट में भाई न्यू रेड रोज होटल है, अच्छा होटल है ये भी। और ये सामने तो भाई रेडिसन तो आई, इसकी तो बात ही निराली है। तो ये देखिए कुछ सिटी भाई जम्मू का ऐसा है। तो दोस्तों यहाँ से भाई 3 किलोमीटर रहता है जम्मू रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आप रुक सकते हैं, उतर सकते हैं, अपने रेल के अकॉर्डिंग आ सकते हैं जम्मू। तो यहाँ से 3 किलोमीटर है, लेफ्ट साइड में है वो। जैसे ही मैं गाड़ी टर्न करूँगा ना भाई तो समझ लो उधर की साइड है आपका, तो दिखाता हूँ भाई आपको मैं। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं कम से कम भाई 100 किलोमीटर कटरा से भाई। रास्ते में आने लगी थी नींद, जिस टाइम मैंने बताया था 12:30 बजे करीब, तो मैंने क्या किया कि क्योंकि यार जब लगता है ना नींद से आ रही है तो गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो मैंने क्या किया भाई एक पेट्रोल पंप पे लगाई गाड़ी और साइड में करके शीशे ऑफ ऊपर करे सारे, गाड़ी ऑन करी और एसी चला के भाई 1.5 घंटे की नींद ले ली। फिर आंखें खुली 1:30 बजे तो लगा थोड़ा आराम से, लगा चलो अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो गाड़ी लेके भाई हम निकल लिए अपनी गाड़ी लेकर, और अब सीधे निकलते हैं भाई। कहीं ना कहीं रास्ते में सही सी जगह दिखी तो दिखाते हैं, या फिर सीधे रुकेंगे भाई फिर मूर्थल, मूर्थल के पराठा भी दिखाने भाई। तो पहुंचते भाई आगे। तो दोस्तों 1.5 घंटा के फिर से नींद लेने के बाद दोबारा सोए थे भाई, कै बजे सोए थे हम
3:30 और अब उठे हैं 5 मॉर्निंग के, तो दोबारा गुड मॉर्निंग। तो भाई दोबारा नींद ले ली थी 1.5 की, क्योंकि भाई आराम से जाना है भाई, रिलैक्स होके, क्योंकि थके हुए हो भाई माता के दर्शन करके बहुत ज़्यादा, पैरों में दर्द, नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। और वेलकम टू पंजाब, और इस टाइम घुस चुके हम भाई पंजाब में, और हमारी सिम भी चालू हो चुकी है, जहाँ पे हमारी सिम डेड हो गई थी ना भाई, 7 के लिए डेड थी, मतलब कोई वो ही नहीं था कि फ़ोन आ जाए चला जाए, किसी दूसरे के फ़ोन से फ़ोन करते थे, डेड हो गई थी। तो भाई वेलकम टू पंजाब, पंजाब में पहुँच चुके हैं, और देखते भाई CNG डलाते हैं यहाँ पे पहले गाड़ी में, CNG भी हमारी भाई ख़त्म हो चुकी है, ये देखिए ठीक है। तो सच क्या आपने हैं कर तो रही हूँ। अच्छा कर रही हो, हमारी मारे मुँह से क्यों बोल रहे हो फिर, चलो ठीक है। तो CNG हम सर्च करते भाई, CNG किधर आते हैं फिर देखते हैं। तो दोस्तों ये देखिए भाई सामने रेल चलती हुई, हाय हाय, और रिवर के ऊपर भाई, ये रिवर है, कौन सा रिवर है भाई ये पता नहीं भाई, इसमें कौन सी रिवर है, बट ये देखो क्या बात है, कौन सी रिवर है कुछ लिखता देखा आपने, अभी हम रिवर के ऊपर चल रहे भाई, ये रिवर के ऊपर पुल के ऊपर चल रहे हैं। तो ये देखिए आज का सनराइज, मौसम एकदम देखिए भाई बढ़िया, और ठंडी ठंडी हवा चली भाई, मॉर्निंग का टाइम है 5:38 हो रहे हैं, और देखिए सनराइज सूरज निकलता हुआ भाई, क्या कलर आ रहा है भाई। और ये देखिए भाई पठानकोट का, पठानकोट की सिटी है ये, 25 ट्रैम चल रही है, ये पठानकोट का है, सीधे निकलेंगे भाई अभी जलंधर के लिए, और लेफ्ट में जाएंगे तो वो जाएगा डलहौजी ठीक है, और चलते भाई सीधा। और ये देखे भाई छिप गया हमारा सनराइज घरों के पीछे। दोस्तों पठानकोट में CNG करा ले फुल भाई, वहाँ से आप निकलोगे तो आपको सीधा पठानकोट में ही CNG मिलेगी, 200 किलोमीटर लगभग, आप जैसे ही जय माता के दरबार से निकलोगे वहाँ से 200 किलोमीटर बाद ही आपको CNG पंप मिलेगी। तो मैंने करा लिया भाई CNG पंप से CNG फुल, और अब सीधे निकल रहे भाई चंडीगढ़ के लिए। दोस्तों यहां से लुधियाना भाई 35 किलोमीटर, अम्बाला 149, पानीपत 253, और दिल्ली है भाई 349, और हमारा यह दिखा रहा भाई नोएडा 372 किलोमीटर। तो भाई निकल चुके आगे के लिए, और ये गांव पड़ता भाई लेफ्ट में आपका गोराया। तो भाई सुबह के बजे अभी 8, और काफ़ी निकल चुके आगे, अभी है हम भाई आपका ये सिंगला रिजॉर्ट है कोई, ये जहाँ पे हम है ना भाई, यहाँ से अम्बाला अभी 189 किलोमीटर है यहाँ से, और चंडीगढ़ है 289। तो अब लगा लिए यहाँ पे हम, और हमने रोके भाई गाड़ी अपनी किस लिए, चाय बनाने के लिए, तो टेबल अपने लगा लिए भाई, गैस चूल्हा अपने निकालते हैं यहाँ से और बनाते चाय, और अपनी भाई रानी देखो कितनी खूबसूरत हो रही है सही है कोई नहीं, और कुछ नज़ारे दिखाता हूँ भाई आपको मैं, ये देखो कुछ पंजाब के खेत खलियान, ये देखो, तो ये देखो, तो ये देखिए दोस्तों ये सामने जो खेतों में हो रही है भाई पंजाब की एक गन्ने हो रही है, वहाँ देखिए भाई ट्रैक्टर चल रहा है बोने के लिए जोत के लिए। तो ये देखो भाई घर खेतों में बिल्कुल सिंगल अकेला घर है भाई यहाँ पे देखो, और सामने भाई गुरुद्वारा पीछे बैक साइड में, या आपको दिखाई दे रहा हो तो वो रहा उधर भाई, अपने रख दिया चाय ये देखिए, और अभी पानी निकालते हैं किस लिए, क्योंकि इसमें मिलाते हैं भाई दूध, और फिर डालेंगे इसमें दूध चीनी चाय पत्ती, तो डाल दी भाई चाय पत्ती, अब डालते भाई इसमें चीनी, तो भाई डालते इसमें दूध, ये देखो
तो भाई अपनी बन गई चाय, हो चुकी है और खाते बिस्किट के साथ चाय पीते भाई। तो अपने बिस्किट ये रहे, तो बिस्किट के साथ पीते चाय और फिर निकलते भाई आगे के लिए। तो दोस्तों अपनी चाय हो गए, चाय वाय पी पा के बिस्किट विस्किट खा के चाय के साथ, और भाई निकलते आगे के लिए। अब रोकेंगे सीधा या तो मूर्थल रोकेंगे भाई सीधा, तो खाएंगे वहाँ पे मूर्थल के पराठे। दोस्तों ये देखिए भाई, पंजाब में अपने भोलेनाथ कितने हाइट पर खड़े हैं भाई। ये भोलेनाथ का टेम्पल है, देखो क्या भाई साहब कितना बढ़िया लग रहा है नहीं। तो ये देखिए क्या चमक है भोलेनाथ पे अपने पर। तो ये देखिए दोस्तों भाई, पंजाबियों ने लगा रखा है प्याऊ, पंजाबियों ने लगा रखा भाई प्याऊ, पानी का प्याऊ भाई, पानी पीते हैं। इनका प्याऊ अलग ही होता है यार, रानी पता नहीं कैसे एमसी भी डालते हैं। हाँ हाँ कुछ अलग ही होता है उनका अंदर डाल के। तो पीते भाई प्याऊ, चला ना दिखा इन्हें कभी, चल गया जी ला रहे हैं जी वो। यार वहाँ तो बड़ी फास्टिंग फास्टिंग काम हो रहा था, थोड़े कम लोग हैं वहाँ पे, ज्यादा थे उस टाइम पे। तो दोस्तों भाई लंगर लगा हुआ था जल का और बाजियों भाइयों का, तो लंगर पिया स्वाद इसमें नहीं इतनी सेमी नहीं। ये बढ़िया था, बढ़िया तो वो भी था यार उनके अकॉर्डिंग, बट हमने तो भाई सेमी का फर्स्ट टाइम पिया ना, पहली बार उस टाइम पे तो थोड़ा वैसा लगा था, लेकिन मजा आया था उसको भी पीने में, स्वाद लगा था। और दोस्तों यहाँ से है भाई कुरुक्षेत्र 126 किलोमीटर और दिल्ली है यहाँ से 300 किलोमीटर। तो निकलते भाई सीधा, पहले पहुंचेंगे भाई मूर्थल, फर्स्ट डेस्टिनेशन हमारा है मूर्थल। तो दोस्तों ये है भाई अम्बाला सिटी, सामने देखिए, और यहाँ पे है भाई जग्गी सिटी गेट सेंटर, यहाँ पे आप कुछ भी खा पी सकते हैं। अम्बाला सिटी पहुंच चुके हैं भाई हम, अम्बाला सिटी, और यहाँ से भाई मूर्थल है 160 किलोमीटर। यहाँ पे आप कुछ भी खा पी सकते हैं, KFC सब वे सब है यहाँ पे। तो निकलते हैं भाई सीधे और मिलते हैं फिर आगे आपको सीधा कहाँ, मूर्थल मूर्थल।